फ्रिज खुलते ही ये महारानी जी आ जाती हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये होती है गोंद, और इनकी पहचान ये है कि जब आप मखानों को ऐसे करोगे ना तो एकदम अंदर से क्रिस्प हो जाएंगे ये। अब किचन में काम करके देख सकते हो आप आलू का क्या हाल हो रहा है मेरे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस, मैं आज आपके लिए लाने वाली हूँ जन्माष्टमी की प्रसाद की रेसिपी। हमारे यहाँ पे पंजीरी बनती है जन्माष्टमी के प्रसाद के लिए, तो मैं आपको उसकी रेसिपी दिखाऊंगी आज। किचन भी मैंने अच्छे से साफ कर ली, क्योंकि जन्माष्टमी का प्रसाद बनाने से पहले या कोई से भी त्योहार का प्रसाद बनाने से पहले किचन की सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बिल्कुल चकाचक कर लिया अपने किचन, और सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। ये देखो फ्रेंड्स, आज मैंने सारे किचन के डब्बे धोए, किचन के सारे डब्बे धो के रखे हैं, और अभी सूख रहे हैं। जैसे सूख जाएंगे इनमें सामान भर के फिर से मैं रखूंगी किचन में। फ्रिज की सफाई भी हो गई है फ्रेंड्स। फ्रिज तो बहुत ही गंदा हो रहा था, इस बार मुझे बहुत टाइम लगे सफाई करने में। फ्रिज खुलते ही ये महारानी जी आ जाती हैं। चलो फ्रिज तो बंद कर दे। घर का सारा इम्पोर्टेंट काम हो चुका है, जैसे खाना वाना हमने खा लिया है, कन्नू को नहला दिया है मैंने, रेडी कर दिया है इसे। अब बस किचन में प्रसाद बनाना रह गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि कन्नू इतना परेशान करने लगी है ना। अब देखो अभी कैसे बैठी है, और इसे यहाँ सारे क्वेश्चन गिरा रखे हैं। ऐसी करती है, पूरा घर फैला के रखती है। तो चलो फ्रेंड्स, आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या जन्माष्टमी की तैयारियाँ करी हैं और कैसे मैं पंजीरी बनाऊँगी आज। मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया है, और एक एक करके हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे इसमें अभी। तो सबसे पहले हम अपने बादाम भूनेंगे, मैंने बादाम डाल दिए हैं इसमें, और ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का हल्का ही रोस्ट करना है सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ड्राई फ्रूट्स को हम हमेशा धीमी आंच में भूनेंगे, और दूसरा कि इनको कंटिन्यूस चलाते रहना है, वरना ये अगर जल जाएंगे ना तो पंजीरी का टेस्ट पूरा कड़वा आ जाता है। हमारे बादाम भून गए हैं, तो मैंने इसमें काजू डाल लिए, अब हम अपने काजू भी भूनेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स, हम अपने खरबूजे के बीज भी भून लेंगे, और इनको तो बहुत ही जल्दी भूनना होता है, ये बहुत जल्दी काले होते हैं, बहुत जल्दी जलते हैं, बस इनको डालो और निकाल दो। और फ्रेंड्स, मैं भून रही हूँ अपनी चिरौंजी, यहाँ पे चिरौंजी भी मिठाई में डलती है। कन्नू वहाँ से पीछे से आवाज़ दी जा रही है, मम्मा मम्मा। फ्रेंड्स, अब मैं भून रही हूँ अपने मखाने, ये भी पंजीरी में ही जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो जन्माष्टमी है वो 7 तारीख को मन रही है, आज 6 तारीख है, लोग काफ़ी आज भी मना रहे हैं, लेकिन हम लोग 7 को ही बना रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें मखानों को तब तक भूनना है जब तक वो क्रिस्पी नहीं जाते, और इनकी पहचान ये है कि जब आप मखानों को ऐसे करोगे ना तो एकदम अंदर से क्रिस्प हो जाएंगे, ये आवाज़ आएगी इनमें। जन्माष्टमी के दिन जो बनती है पंजीरी, उसमें जलती है गोंद, तो मैं आपको दिखाती हूँ गोंद कैसी होती है, अगर आपको नहीं पता हो तो। देखो फ्रेंड्स, ये होती है गोंद, और इसी की पंजीरी बनती है हमारे यहाँ। अब मैं इसको भी घी में भूनूंगी। ये है गोंद, और फ्रेंड्स ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बहुत होती है, क्योंकि जब हम इसे घी में भूनेंगे तो ये फूल जाएगी। देखो फ्रेंड्स, ये फूल रही है, इसको ऐसे से चलाते रहेंगे हम। ऐसे चिपक जाती है, तो आप ऐसे मार भी सकते हो, तभी अलग हो जाए, अलग नहीं होगी तो फिर ये कच्ची रह जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी गोंद भी भुन गई है, यहाँ पे मखाने भून लिए मैंने, यहाँ पे काजू है, ये चिरौंजी है, ये खरबूजे के बीज है जिन्हें मगज भी कहते हैं, और ये है हमारे बादाम। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने भून लिया है, इतने ठंडे हो जाएंगे हम इनको पीस लेंगे। तब तक मैं कद्दूकस करूंगी गोले को। जो गोले का बुरादा होता है वो कुछ लोग भूनते भी हैं, लेकिन मुझे ना बिना भुना हुआ भी पसंद आता है, इसलिए मैं उसको ऐसे ही कद्दूकस करके डायरेक्ट पंजीरी में डाल दूंगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स सबको मिला दिया है साथ में, और मैंने यहाँ पे 2 थाली ली है, और इन दोनों को ग्रीस कर लिया है अच्छे से देसी घी से। जितना भी प्रोसेस होगा फ्रेंड्स, वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगा, अगर जरा से भी देर करोगे ना आप, तो फिर आपकी मिठाई नहीं जमेगी। तो मेरी चाशनी रेडी हो गई है, मैंने यहाँ पे 2 तार की चाशनी बनाई है, तो याद रखना कि आपको 2 तार की ही चाशनी बनानी है, इससे कम की बनाओगे तो आपकी मिठाई नहीं जमेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये प्लेट में निकाल ली है चाशनी और ये जो मिक्सर है, अब हमारी पंजीरी ऐसे चमके हो जाएगी रेडी। 2 प्लेट ली है मैंने, एक ये थाली है और एक दूसरी थाली ये है, तो इसमें हमने जमा दी है, अब देखते हैं जमती है नहीं जमती है। तो मैंने देखो अब ठंडा होने के लिए रख दिया है यहाँ पे, अब जैसे ही ठंडे हुए, अभी बहुत गर्म है, जैसे ही ठंडा होगा वैसे ही मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से जम जाए, काटेंगे इनको ठंडा होने के बाद। तो फ्रेंड्स, हमारी गोंद की जो पंजीरी है वो तो बन गई है, अब हम अपनी दूसरी मिठाई बनाते हैं, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के प्रसाद में मैं रखूंगी, वो है घीये की मिठाई। तो आप इसे घीये की बर्फी भी कह सकते हैं, घीये की लौज भी कह सकते हैं, घीये की पंजीरी भी कह सकते हैं। इसको बनाना बहुत ईजी है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैं इसको कैसे बनाती हूँ।
पूरा एक ही कद्दूकस कर लिया यहाँ पे। इसको यहाँ पे उबालने रख देंगे, थोड़ा सा उबलेगा ये घी और इसके अंदर से जो पानी आएगा वो सारा पानी सुखा लेंगे। देखो फ्रेंड्स, इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है, आपको जरा सा भी पानी नहीं नजर आएगा इसमें। ये वो ट्रांसफर कर लिया बड़ी वाली कढ़ाई में। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो एक बड़े साइज के घी में मैं डालूंगी पूरी एक कटोरी चीनी। तो ये चीनी यहाँ पे डाल देंगे और फ्रेंड्स फिर हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स हम ऐसे पकाएंगे, ये देखो आप, ये अभी घिया और चाशनी साथ में पक रही है। देखो फ्रेंड्स, पकते पकते ये कुछ ऐसी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा कैरेमल का कलर और टेक्सचर आ जाएगा इसमें। बस ये आपकी चाशनी अभी रेडी होने वाली है, मतलब ये मिठाई रेडी होने वाली है। इसमें थोड़ा सा और पकाएंगे इसे हम, क्योंकि आप देखो इसमें अभी आपको दिख रहे होंगे कुछ चीनी के वो हैं कण, तो ये जैसे ही पूरे गल जाएंगे वैसे ही हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसे प्लेट में उतार देंगे। तो अभी चीनी को थोड़ा सा और पकने देते हैं। फ्रेंड्स इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, हम जल्दी से इसे पलट देंगे। आपने अपनी प्लेट ग्रीस कर ली है, ये पंजीरी निकाल ली है घी की, कर दिया ये प्लेट में सेट। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतनी जल्दी जल्दी ये काम करना पड़ता है ना कि बस पूछो मत। फ्रेंड्स ये थाली जो है मेरी पंजीरी की गोंद की, ये रेडी हो गई है। हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये रही एक प्लेट और ये रही दूसरी प्लेट। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे तीसरी पंजीरी, जो कि है धनिए और दखनी मिर्च की पंजीरी। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पड़ते हैं खरबूजे के बीज, मेरे बीज ख़त्म हो गए थे इसलिए मैं दोबारा से भूट रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी साबुत धनिया, ये हमारे पहाड़ का धनिया है और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके दाने भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसकी अब हम बनाएंगे पंजीरी। फाइन चॉप कर लिया है, इसका पाउडर बना लिया है, हल्का सा दरदरा ही रखा है, बिल्कुल फाइन चॉप नहीं किया। देखो अब हम इसको थोड़ा सा सूखा भूनेंगे। साथ में फ्रेंड्स मैंने 20 से 30 दाने लिए हैं ये सफ़ेद मिर्च के, इनको दखनी मिर्च भी कहते हैं और इनकी स्पेशल मान्यता है जन्माष्टमी में इनकी पंजीरी ज़रूर बनती है। दखनी मिर्च और धनिया की पंजीरी हमारे यहाँ ज़रूर बनाते हैं प्रसाद में। फ्रेंड्स मैंने मिर्च को भी पीस लिया है, अभी हमारे मिर्च और धनिया भुन रहा है, थोड़ा सा ही भूनेंगे, इन्हें ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और इसमें जाएंगी ये हल्की सी अजवाइन, एक चुटकी अजवाइन है, उसको भी हम इनके साथ भूनेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा धनिया लगभग भुन गया है, हल्का सा कलर चेंज हो गया है इसमें, हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, 2 से 3 मिनट ही भूनना है धनिए, दखनी मिर्च और अजवाइन। अगर आपकी चाशनी सही तरीके से बन रही है तो इसको देखने का बस एक ही तरीका है कि आपकी जो चाशनी है साइड में सॉलिडिफाई होने लगेगी। देखो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि आपकी पंजीरी जम जाएगी और ऐसे गीली गीली जैसे रह जाती ना, जमती नहीं है, वैसे नहीं होगी। मेरी चाशनी बन के रेडी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए अपनी पंजीरी में और इसमें जितना धनिया होता है उतने ही खरबूजे के बीज होते हैं। तो ये देखो आपको बहुत सारे खरबूजे के बीज नज़र आ रहे होंगे अभी यहाँ पे। और लास्ट में फ्रेंड्स मैं अपना धनिया डाल दूंगी इसमें। अब जल्दी जल्दी काम करना है वरना ये यहीं पे जम जाएगी कढ़ाई में। ये है फ्रेंड्स मेरी धनिया की पंजीरी। अभी इसमें ना मेरे ख्याल से चाशनी कम रह गई, तो देखो फ्रेंड्स सही से जमी नहीं, चाशनी कम रह गई और कन्नू की वजह से ये ना जितनी जमी कढ़ाई में ही जम गई, इसको प्लेटिंग करने से पहले ही ये जम गई। तो आई डोंट थिंक ये जमेगी इतने अच्छे तरीके से, बट लेट्स सी कैसा होता है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी 3 पंजीरी की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना और अभी मैं पंजीरी बना के थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, ये जन्माष्टमी का स्पेशल भोग बनता है इन तीनों पंजीरी से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।